नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर पर। मापन की यूनिट में आज बात करेंगे लेक्चर 7 की। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों की बात करेंगे और हर मात्रक की क्या वैल्यू होती है ना। जैसे लंबाई के मात्रक हम पढ़ते हैं कि किलोमीटर में कितने मीटर हैं, या हम समय के मात्रक पढ़ते हैं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, सौर्य मास है ना, चंद्रमास में कितने दिन होते हैं। इस तरह से हम बहुत महत्वपूर्ण मात्रकों की बात करेंगे। और देखिएगा, यहाँ मैंने जो बोर्ड पर लिख रखे हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो हमेशा हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मैं उनको नहीं रखा है क्योंकि शायद उनको रखने के बाद बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता। तो ये जितने भी मैंने यहाँ करे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मात्रक है लंबाई के मात्रक, है ना, लंबाई के मात्रक। हालांकि लंबाई की हमने जब बात की थी, लंबाई एक मूल राशि है और मूल मात्रक उसका मीटर होता है। हमने बात की थी मात्रकों की पद्धति के बारे में और राशियों को हमने पढ़ा था, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि या सदिश अदिश राशियाँ पढ़ी, विमा इत्यादि निकाली। अब लंबाई की उन मात्रकों की बात होगी जो नॉर्मली प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लंबाई का पहला मात्रक फुट आपने देखा होगा, नॉर्मली हम लोग बहुत यूज करते हैं फुट का। तो एक फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। अगर हम उसको सेंटीमीटर में लेकर जाएं तो कितने सेंटीमीटर होंगे, 30.48 सेंटीमीटर, सही है ना। अगर हम बात करें फुट की बात करें तो फुट में 12 इंच होते हैं और 12 इंच के अलावा हम सेंटीमीटर की बात करें तो लगभग 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, या एक फुट में बात करें मीटर की तो 0.304 मीटर होते हैं। यानी कि एक फुट में 12 इंच या एक फुट में 30.48 सेंटीमीटर या एक फुट में 0.304 मीटर। दूसरा मात्रक इंच है तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, है ना, 2.54 लगभग 2.5 सेंटीमीटर। और बात करें एक मीटर की तो एक मीटर में इंच कितने होते हैं, 39.37 इंच, है ना। पहले फुट का देखा, फुट में 12 इंच, 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर। फिर बात करी इंच की तो इंच कितने थे, एक फीट में 12 इंच थे जबकि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक मीटर की बात करें तो एक मीटर में 39.37 इंच होते हैं ना, 39.37 इंच, या इसको कभी कभी हम 40 इंच भी कह देते हैं। तो एक मीटर में लगभग 40 इंच या 39.37 इंच होते हैं। अगली आपकी इकाई है एंगस्ट्राम, आपने सुना होगा एंगस्ट्राम। अत्यंत छोटी दूरियों को, बहुत ही ज़्यादा छोटी दूरी जो होती हैं उन दूरियों को मापने के काम में आता है, खासकर जब हम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, देखिए तरंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तरंग के आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य इत्यादि क्या होते हैं। तो तरंग मान लीजिए हमने एक तरंग ऐसे बनाई है नॉर्मली, हालांकि सभी तरंगें ऐसी नहीं होती, कुछ तरंगें और तरह बनाई जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली तरंगों हम ऐसे ही समझते हैं। देखिए तरंग का ये जो पोर्शन है, ये और ये जो ऊपर वाले पोर्शन है, इन्हें श्रृंग कहते हैं, इन्हें श्रृंग कहते हैं, या ये और नीचे वाले जो पोर्शन है इन्हें गर्त कहा जाता है ना। तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी, यानी कि पहला श्रृंग और इसके बाद वाला दूसरा श्रृंग, या एक गर्त और दूसरा गर्त, है ना, इनके बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है ना। वेव लेंथ के, वेव की लेंथ क्या है, तरंग की लेंथ क्या है, तो वेव लेंथ जो अत्यंत छोटी दूरी होती है उसे मापते हैं काय में, हम एंगस्ट्राम में मापते हैं। और एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10^-10 मीटर, है ना, 10^-10। सोचिएगा कितनी छोटी होती होगी, है ना। तो एक एंगस्ट्राम का मतलब है 10^-10 मीटर। अत्यंत लंबी दूरी की बात करें, है ना, यहाँ छोटी दूरी थी, अत्यंत लंबी दूरी की बात करें तो एक होती है खगोलीय इकाई, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे शॉर्ट में कहते हैं AU, है ना। तो एक खगोलीय इकाई का मतलब क्या है, सूरज व पृथ्वी के बीच जितनी दूरी है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी है। यहाँ लिखा है कि एक खगोलीय इकाई का मतलब है सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि अगर प्रश्न आपको ये आता है और उसने घुमा के पूछ लिया, देखिएगा ये आपकी पृथ्वी है अर्थ, है ना, ये पृथ्वी है आपकी अर्थ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इससे बहुत दूर आपका सूर्य है सन, ठीक है ना, ये आपका सूर्य, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, सन। तो ध्यान रखिएगा एक खगोलीय इकाई जो लिखा हुआ है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी है। हो सकता है ऑप्शन में आपको घुमाने के लिए सवाल डाल दे कि एक खगोलीय दूरी का अर्थ है ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ऑप्शन बी सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी, ऐसे डाल देना तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे सूर्य के केंद्र से
और पृथ्वी के केंद्र की है ना, बीच की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। और यहाँ की जो दूरी होती है लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है ना। हम इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जब बात करेंगे ब्रह्मांड की तो बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। तो 15 करोड़ किलोमीटर को हमने लिखा हुआ है 1.495 × 10^5 11 मीटर, या हमने क्या किया 1.495 को हमने लिख दिया 1.5 × 10^11 मीटर। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर में ही आ जाएगा। तो एक खगोलीय दूरी का अर्थ है पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी, जो लगभग लगभग 1.495 × 10^11 मीटर या 1.5 × 10^5 10^11 मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए प्रकाश वर्ष की बात करें, ध्यान रखिएगा दूरी के मात्रक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है बच्चों को, जो बिगनर होते हैं उन्हें होता है प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष जैसे ही नाम आता है तो लगता है वर्ष आ रहा है, लगता है वर्ष तो समय का मात्रक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी चली गई है, प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की गई है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो चूंकि इसमें प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर, और लाइट ईयर में ईयर आ रहा है यानी कि वर्ष आ रहा है, तो समय से इसका कोई मतलब नहीं है। समय इसलिए दिया गया है कि प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की गई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो लिखा हुआ है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा 9.46 × 10^15 मीटर, ध्यान रखिएगा 9.46 × 10^15 मीटर है, ठीक। कभी कभी मीटर में देखे किलोमीटर में आंकड़ा देता है आपको, तो 9.46 वही रहेंगे और मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे और 1000 का भाग देंगे, 3 आपकी क्या होंगी पावर 10 की खत्म हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 9.46 × 10^12 किलोमीटर। तो आपको दोनों आंकड़े याद रखने हैं, पहला प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसके अलावा प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और कितनी होती है ये 9.46 × 10^15 मीटर या किलोमीटर में दिया होगा तो 10^12 किलोमीटर, ठीक है ना। अगली इकाई है पारसेक, है ना, पारसेक लिखा है, इसे कहते हैं पैरालेक्टिक सेकंड, पैरालेक्टिक सेकंड, याद रखिए बहुत बड़ी इकाई है ये। और ये क्या किया जाता है, जब हम कॉस्मिक साइंस पढ़ते हैं, खगोलीय विज्ञान पढ़ते हैं, और खगोलीय विज्ञान में जब हम ब्रह्मांड के पिंडों की बात करते हैं कि पृथ्वी से इतनी दूर एक ग्रह मिला है उस पर जीवन की संभावना, पढ़ते होंगे आप लोग अखबारों में इस तरह से, तो हम बहुत बड़े बड़े पिंडों की जो बहुत बहुत दूर हैं उनके बीच की दूरी निकालने के लिए उपयोग किसका करते हैं, पारसेक का करते हैं। तो पारसेक का मतलब है पैरालेक्टिक सेकंड, क्या है, खगोलीय दूरी को मापने में प्रयोग। खगोलीय दूरी मतलब जो अंतरिक्ष में पिंड हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, है ना, बहुत सारे आप देखते हैं एस्टेरॉयड वगैरह होते हैं, तो इन खगोलीय पिंडों के बीच की जो बहुत ज़्यादा दूरी होती है उसे मापने के में यूज करते हैं, कैसे, हम पारसेक को करते हैं। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.084 × 10^16 मीटर, 3.084 × 10^16 मीटर, और अगर हम प्रकाश वर्ष में निकालेंगे तो कितना आएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये वाला आंकड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि एक पारसेक का मान है, तो ज़्यादातर केस में मैंने खुद देखा है कि यह प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है ऑप्शन में 3.26 प्रकाश वर्ष। आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक पारसेक में ये मीटर को आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। अगली बात करते हैं मील की, ठीक है, एक मील में मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर में 1600 मीटर होते हैं या 1.6 किलोमीटर होते हैं, लेकिन अगर आप गज में निकालना चाहते हैं, जैसे गांव देहात में देखा है गज, है ना, गज भी एक प्रचलन में रहता है, गज भी एक लंबाई का मात्रक है, तो एक मील नॉर्मल मील की बात हो रही है 1760 गज या 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। समुद्री मील की बात मैं बता ही चुका हूँ आपको, जिसे नॉटिकल माइल कहते हैं, समुद्री मील का मतलब है 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। तो ऊपर मील था, नीचे समुद्री मील है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। साधारण मील में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, समुद्री मील में 1852 मीटर और 1.852 किलोमीटर, यानी कि समुद्री मील बड़ा होता है और एक मील जो साधारण है उसमें 1760 गज होते हैं, ठीक है ना। एक यार्ड की बात करें, जैसे हम गज कहते हैं, ठीक है ना, यार्ड की बात करें गज, जो कि हमने ऊपर देखा, तो कितना होता है आपका 3 फिट होता है, ठीक है ना, कितना होता है 3 फिट होता है, और यहाँ पे कितना निकल गया आएगा आपका, आप देखेंगे तो 0.9144 मीटर आएगा, पॉइंट कितना आएगा 9144 मीटर, सही है ना। अगली इकाई आपकी फर्मी मीटर, बहुत छोटी इकाई है फर्मी मीटर,
कई बार प्रश्न पूछा गया है एक फर्मी मीटर, तो इसमें 10^15 मीटर आपने देखा लंबाई की मात्रक, फुट देखा, इंच देखा, एंगस्ट्रॉम, अत्यंत लंबी दूरी का खगोली इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखा, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, खगोली इकाई सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, उनके केंद्र के बीच की दूरी, पारसेक बहुत बहुत दूर बड़ी खगोली दूरी को मापने में प्रयोग करते हैं, पारसेक का मान आपने देखा खासकर 3.26 प्रकाश वर्ष, मील देखा, समुद्री मील देखा, यार्ड देखा, एक यार्ड में 3 फीट या 0.9144 मीटर, और एक फर्मी मीटर बराबर 10^-15 मीटर। ये लंबाई के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मात्रक हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए और ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगे। आप सोचें इसका कोई जादू नहीं है, आप बार बार इनको लिखने की कोशिश करिए, बार बार देखिएगा। आप रेलवे के एग्ज़ाम में जाएंगे, हर हाल में एक नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा, और इसके अलावा और एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रक की, बात करते हैं द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान कैसी इकाई है, मूल राशि है ना, पढ़ाया था ना 7 मूल राशि, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति, पदार्थ की मात्रा, 7 पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें तो द्रव्यमान है क्या है, मूल राशि है, और इसका मूल मात्रक क्या था, किलोग्राम। लेकिन द्रव्यमान के अन्य मात्रक की बात करते हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों में प्रचलित है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, पहला मात्रक है औंस, है ना, आउंस भी कहते हैं, औंस भी कहते हैं, और शॉर्ट में लिखते हैं ओजेड, ठीक है ना। आपने कभी क्रिकेट की बॉल देखी होगी, लेदर बॉल जो आता है क्रिकेट का, जैसे आजकल आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं तो कूका बूरा की बॉल्स आती हैं, कूका बूरा की बॉल आती हैं, तो क्रिकेट की बॉल के ऊपर जो उसका वेट लिखा होता है वो औंस में लिखा होता है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा उसे। तो एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, ठीक है ना, 28.35 ग्राम। अब देखिए, एक होती है पाउंड, कल पढ़ाया था आपको इससे पुराने लेक्चर में, FPS, फुट, पाउंड और सेकंड, है ना, ब्रिटिश पद्धति पढ़ाई थी आपको FPS। तो पाउंड भी क्या होता है, पाउंड एक द्रव्यमान की इकाई होती है, पाउंड को ना एल भी लिखते हैं, एल भी, है ना, एल भी, इसे हम कहते हैं लिब्रा, और लैटिन भाषा का शब्द है एल भी, इसका मतलब होता है बैलेंस। लैटिन भाषा का जो शब्द लिब्रा है, जिसे शॉर्ट में एल भी लिखा है, इसका मतलब होता है बैलेंस। एल भी आपने कहाँ देखो, मैं बता दूँ, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम इत्यादि जाते हैं, तो जब वो प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं, है ना, प्रोटीन पाउडर, जो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं पुलिस इत्यादि की और फिजिकल की तैयारी के लिए, बहुत सारा प्रोटीन पाउडर इत्यादि वो लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा प्रोटीन पाउडर के डब्बे पे लिखा होता है 2.2 LB, 5 LB, तो वो एल बी क्या है, पाउंड है, तो वही पाउंड यानी कि एल बी, फुल फॉर्म पूरा नाम लिब्रा, लैटिन भाषा का शब्द, एक पाउंड में 16 औंस होते हैं, औंस कौन से, ऊपर वाले, 16 औंस होते हैं, और इसमें 0.454 किलोग्राम, और अगर ग्राम की बात करें तो आप मेनली आपसे ग्राम पूछा जाता है, एक पाउंड में 453.9 ग्राम होते हैं, एक पाउंड में 453.9 ग्राम होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, एक क्विंटल में 100 किलो, 10 क्विंटल में 1 टन, सही है ना, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं ना, कि 100 किलो मिल जाएगा तो एक क्विंटल बन जाएगा, और 10 क्विंटल मिल जाएंगे तो 1 टन बन जाएगा, इसी को मीट्रिक टन कहते हैं, ठीक है ना, इसी को मीट्रिक टन कहते हैं, और इसमें कितने हो जाएंगे, 1000 किलो हो जाएंगे, क्योंकि एक मीट्रिक टन में कितना हो गया, 10 क्विंटल, और एक क्विंटल में 100 किलो, तो 10 और 100 गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 1000 किलो, यानी कि एक क्विंटल में 100 किलो और 10 क्विंटल जोड़ दो तो 1 टन या मीट्रिक टन, और 10 क्विंटल का मतलब क्या होगा, 1000 किलो, तो एक मीट्रिक टन बराबर या तो 10 क्विंटल या 1000 किलो, ठीक है ना, इसी को मीट्रिक टन कहते हैं। एक AMU की बात करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, सही है ना। ये क्या होता है कि कार्बन 12 आपने देखा हो, कार्बन के समस्थानिक पढ़े होंगे आपने, आइसोटॉप्स पढ़ते हैं, समस्थानिक, संभारिक, तो इस तरह से कार्बन 12 होता है एक, और कार्बन 12 का जो परमाणु है ना कार्बन 12 का जो परमाणु है ना उसके द्रव्यमान का आप कर दीजिए 1/12, जितना भी उसका द्रव्यमान है उसका 1/12 कर दीजिए। एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है 1/12 गुणा कार्बन 12, ये उस पदार्थ का नाम लिखा है ना, C12 जो मैं लिखा हूँ, 1/12 गुणा कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि आपको AMU निकालना है, तो 1/12 गुणा क्या करेंगे, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.66 × 10^-27 kg, 1.66 × 10^-27, माइनस में वैल्यू है तो बहुत कम होगा, ठीक है, तो याद रखना है, पूछा जाता है। एक AMU इक्वल टू
एक बटे 12 गुणा कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। और ये कितना होगा 1.66 × 10⁻²⁷ के जी। अगले सेक्शन चलते हैं, एक चंद्रशेखर सीमा, इंग्लिश में लिखा है CSL चंद्रशेखर लिमिट, है ना। एक हमारे इंडिया के वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने क्या किया था, वो खगोल वैज्ञानी थे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया था। उन्होंने तारों के संबंध में बहुत सारी गणनाएं की और उन्होंने बताया कि कोई भी तारा जब ख़त्म हो जाता है तो वो ब्लैक होल कैसे बनता है ना। ब्लैक होल के संबंध में चंद्रशेखर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने ये बताया, जैसे देखिए तारे ब्लैक होल कैसे बनेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, कि कोई तारा है जैसे सूर्य है, तो सूर्य के अंदर क्या हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन किसने बदल लिया, हीलियम में। तो एक समय ऐसा आएगा कि सब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो केवल हीलियम बचेगी, तो उसके बाद क्या होगा, सूरज का अंत होना शुरू हो जाएगा कि हाइड्रोजन ख़त्म हो गई हीलियम बची, तो सूरज पूरा लाल पड़ जाएगा, फिर ठंडा होकर काला पड़ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी तारा, ऐसे बहुत सारे तारे ब्रह्मांड में हैं जो रोज़ फूटते हैं, रोज़ बनते हैं नए तारे, हर तारे की उम्र होती है, हर तारा कम से कम 5-10 अरब साल का होता है। तो ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से तारे हैं जो बहुत पुराने हैं, तो कुछ तारे आज फूटेंगे, कुछ तारे आज बनेंगे, ऐसे एक ना एक दिन सूरज का भी दिन आएगा, हालांकि कई अरब साल बाद आएगा, टेंशन मत लो आप, है ना, तब तक तो हजारों लाखों पीढ़ियां चेंज हो गई होंगी। तो सूरज का जब अंदर का जितना ईंधन है अर्थात उसकी हाइड्रोजन है ख़त्म होगी तो क्या बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। तो एक तारा ब्लैक होल कैसे बनेगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, इस कंडीशन में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने बताया था कि ये जो द्रव्यमान लिखा हुआ है 1.44 × सूर्य का द्रव्यमान, यानी कि एक चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.44 × सूर्य का द्रव्यमान। मान लीजिए कोई तारा है और वो तारा ब्लैक होल कब बनेगा, वो तारा ब्लैक होल कब बनेगा, हालांकि ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया लंबी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पूरा ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा, तारा बनता कैसा है, तारे की मृत्यु कैसे होती है ना, और आकाशगंगा की किस भुजा में तारे बनते हैं और किस भुजा में तारों की डेथ होती है, सब पढ़ाऊंगा। तो तारा ब्लैक होल बनेगा, उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस सीमा को पार करेगा नहीं करेगा, यानी किसी तारे का द्रव्यमान कितना होना चाहिए, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ऊपर है तब उसकी संभावनाएं होती हैं किसकी, ब्लैक होल बनने की। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 सूर्य का द्रव्यमान, ऐसे भी लिखा होता है ध्यान रखना, 1.44 ms, ऐसे लिखा होता है ms का मतलब है मास ऑफ सन। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 ms है या उससे कम है तो वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, 1.44 ms से ज़्यादा है तब ब्लैक होल बनने की संभावना है। उसमें भी कंडीशन है कि 1.44 ms से ज़्यादा है, 3 गुने से कम है, 3 गुने ज़्यादा है, ये बात हम ब्रह्मांड में करेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए चंद्रशेखर सीमा का मतलब क्या है, समझ में आ गया होगा, ब्लैक होल के सिद्धांत से संबंधित है। तो 1.44 ms इंटू सूर्य का द्रव्यमान, तो 1.44 ms सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 10⁻³ kg। और कई दफ़ा क्या होता है इसको हटा के हम 2 कर देते हैं ना, बहुत सी जगह इसकी जगह 2 लिखा होता है, क्योंकि आप देखो नियर अबाउट 2 ही है ना, तो 2 × 10⁻³ kg, ये क्या है, चंद्रशेखर लिमिट है, सही है ना। अगला है आपका मोल, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। देखो यहाँ समझ लो मोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोल क्या होता है ना, मोल काय का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेड ले लूँ, चलो देखेगा ठीक, मोल कैसे निकालेंगे, मेरे पास कोई पदार्थ है ना, अगर मैं द्रव्यमान निकालता तो मैं देख लेता 12 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, लेकिन मोल कैसे निकालेंगे समझिएगा, क्योंकि हर पदार्थ का मोल जो होगा ना वो अलग होगा। कैसे निकालेंगे, देखो एक पदार्थ है आपके पास एक्स, है ना, अब आपको उसका एक मोल चाहिए, एक मोल कितना है, ठीक है ना, है ना, एक मोल चाहिए, कैसे निकालेंगे, एक मोल निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा कार्बन 12 एक पदार्थ है, कार्बन 12 सही है ना, कार्बन 12 का 12 ग्राम, कार्बन 12 का कितना ग्राम, 12 ग्राम, हमने कार्बन 12 नामक पदार्थ का 12 ग्राम लिया, तो इस 12 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी नहीं होगी, कुछ परमाणु अणु होंगे नहीं होंगे इसके, कि भाई मैंने कोई पदार्थ लिया और पदार्थ काय से मिलकर बनाए, परमाणुओं से या अणु से मिलकर बनाए, तो उस मात्रा में जो मैंने ली है 5 ग्राम का, उसमें कुछ ना कुछ अणु होंगे, है ना। जैसे मैंने केले लिए आपसे, मैंने कहा साहब केले दे दो 1 किलो, तो उस 1 किलो केले में क्या है, कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ
तीन केले, चार केले, पांच केले, कुछ तो है ना। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.023 × 10²³। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि कार्बन 12 नामक पदार्थ के 12 ग्राम मात्रा में अणुओं की संख्या कितनी है, दैट इज परमाणु कितने हैं इसके कार्बन 12 के, 6.023 × 10²³। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं या एवोगैड्रो नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में आगे आएगा ये सब क्यों है, केमिस्ट्री में आएगा इसका मोलर आयतन की जब भी बात करेंगे। अब ये तो रहा कार्बन 12 का 12 ग्राम, यानी कि ये हो गया कार्बन 12 का एक मोल, सही है ना। ये क्या हो गया, कार्बन 12 का एक मोल हो गया। अब देखिएगा किसी और पदार्थ, मान लो कोई पदार्थ है एक्स, उसका एक मोल कितना होगा, क्या उसका एक मोल भी 12 ग्राम होगा, जैसे कार्बन 12 का 12 ग्राम को एक मोल कह दिया, नहीं। हमने कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया, उसमें कितने अणु थे, इतने। उस पदार्थ का हमें यह नहीं देखना है द्रव्यमान कितना है, हमें उस पदार्थ के इतने अणु चाहिए, यानी कि उस पदार्थ के आप इतने अणु ले लो, इतने अणु ले लो है, या आप इसका परमाणु ले लो, आप अगर स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो इस पदार्थ के इतने आपने अणु ले लिए, परमाणु ले लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इस पदार्थ का एक मोल कहलाएगा। अब ये हो सकता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने अणु थे, तो इतने अणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम था, आपने किसी और पदार्थ के इतने अणु लिए, तो हो सकता है उसका द्रव्यमान कम ज़्यादा हो जाए, उसका द्रव्यमान 12 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, उसका द्रव्यमान 12 ग्राम से कम भी हो सकता है, लेकिन मोल जब ही कहेंगे जब उसमें अणु कितने होंगे, इतने अणु होंगे, यानी कि मोल का मतलब अणुओं की संख्या से है, द्रव्यमान से नहीं है। हो सकता है किसी पदार्थ का एक मोल ज़्यादा भारी हो, किसी पदार्थ का एक मोल कम भारी हो, लेकिन दोनों के एक मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। कैसे होगी, एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझिए कि आपने क्या किया, आप केले लेके आए, कितने लाए, एक दर्जन, सही है ना। इसके अलावा आप बेर लेके आए, बेर है ना, बेर तो आपने खाए होंगे, बेर आप एक दर्जन लेके आए, तो एक दर्जन केले में संख्या 12 ही होगी और बेर के एक दर्जन की संख्या 12 होगी, लेकिन केले का अगर आप द्रव्यमान देखोगे तो ज़्यादा होगा और बेर का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो संख्या दोनों की बराबर थी, दोनों ही दर्जन में थे, लेकिन दोनों का द्रव्यमान क्या था, क्योंकि केले भारी होंगे बेर हल्के होंगे, अगर आप केले के साथ तरबूज ले आए बड़ा तो तरबूज केले से भारी हो जाएगा, लेकिन होंगे तो दर्जन ही ना। तो एक पदार्थ का मोल और दूसरे पदार्थ का मोल बराबर होंगे, यानी कि एक पदार्थ के मोल में अणुओं की संख्या भी कितनी होगी, 6.023 × 10²³, और दूसरे पदार्थ के एक मोल में भी इतने ही अणु होंगे, जैसे दोनों के दर्जन में 12 थे, लेकिन एक पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान कम हो सकता है और एक पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान ज़्यादा हो सकता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मोल काय का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, साफ लिखा हुआ है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, अर्थात किसी भी पदार्थ का एक मोल का मतलब है उसमें कितने अणु होने चाहिए, 6.023 × 10²³, ठीक है ना। चलिए समय के मात्रक की बात करते हैं, तो समय का मात्रक आप देखिएगा, समय का मात्रक क्या है आपका, एक वर्ष है ना, 365 सही 1/4 दिन, या 365.2422 दिन, ध्यान रखना ये भी पूछता है, लगभग लगभग में आता ही, यानी कि एग्जैक्ट नहीं होता, और या ऐसे पूछता है 365.2422 दिन, या 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, ये याद होना चाहिए आपको, कई बार पूछा गया है। 365 सही 1/4 नहीं पूछेगा आपसे, ये आंकड़ा देगा 365.2422 दिन और या 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, ठीक है ना। एक अधिवर्ष में क्या होगा, लीप ईयर जिसे कहते हैं, लौंद का वर्ष कहते हैं, कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं, सबको पता है। और अधिवर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। ये वर्ष 2020 चल रहा है, तो 2020 कैसा वर्ष था, लौंद का वर्ष था ना, तो इस बार फरवरी 29 दिन की पड़ी थी ना, तो अधिवर्ष का मतलब है 366 दिन। चंद्रमास है ना, चंद्रमास एक चक्कर पूरा लगाया पृथ्वी का, इसे लूनर मंथ कहते हैं, 27.3 दिन, या कहीं कहीं 28 दिन दिया होता है, या कुछ जगह 4 सप्ताह दिया होता है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा चंद्रमास का क्या है, 27.3 दिन। चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ना, ठीक है ना। सूर्य मास की बात करें तो सूर्य मास सोलर मंथ है ना, साल में महीना या तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का, जबकि फरवरी में कितना होगा, 28 या 29 दिन का होगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि एक सूर्य मास फरवरी में कितने दिन का होता है, तो आप क्या लगाएंगे, 28 या 29 दिन का,
है ना, क्योंकि फरवरी 28 से 29 दिन की होती है। और नॉर्मल पूछे आपसे कि एक सौर्य मास या सूर्य मास कितने दिन का होता है, तो 30 या 31 दिन का होता है, ठीक है ना। ये वर्ष के महीनों को हम कैलकुलेट करते हैं। एक सौर्य दिवस की बात करें, एक सौर्य दिवस कितने दिन का है, 24 घंटे का है, कि जिस जगह सूर्य दिखाई दे रहा है लौट के उस जगह कितनी देर में आएगा, 24 घंटे में आएगा ना, तो इसे कहते हैं सौर्य दिवस। एक खगोलीय वर्ष की बात करते हैं, ध्यान रखिए कॉस्मिक ईयर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ब्रह्मांड, आपने सुना होगा ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा अनंत है। आपकी सोच से भी आप सोच लीजिएगा कि आपकी परिकल्पना से भी परे है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आज तक वैज्ञानिक ब्रह्मांड के ओर छोर का पता नहीं लगा पाए और शायद कभी पता भी ना लगा पाए। छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने सहारा का रेगिस्तान है ना, सहारा का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आता है। उस सहारा का रेगिस्तान जो लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें से एक बालू का दाना इतनी बड़ी भी अगर मान लो, तब भी मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि उसमें भी एक दाने के बराबर पृथ्वी है। हालांकि ये कंपैरिजन भी छोटा है कि पृथ्वी तो उस दाने के बराबर होगी, लेकिन ब्रह्मांड उस सहारा के रेगिस्तान से भी कई लाख गुना बड़ा होगा। तो यानी कि ब्रह्मांड आपका अनंत है, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, ब्रह्मांड है उसके अंदर आकाशगंगाएं हैं, और हर आकाशगंगा में तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, है ना। जैसे एक बहुत बड़ा शहर हो उसमें कॉलोनी वगैरह होती है, इसी तरह से एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं होती हैं, और हर आकाशगंगा में तारे होते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी, आप सबने सुना होगा। तो मंदाकिनी जो हमारी ऐसे करके है, ऐसे करके उसकी तीन भुजाएं हैं, है ना, मंदाकिनी की तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं में तारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये तारे होते हैं वो क्या करते हैं, मंदाकिनी घूमती रहती है, यानी कोई भी आकाशगंगा घूमती रहती है, तो तारे क्या करते हैं, अब जो आकाशगंगा का जो केंद्र होता है इसे कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, इसे बल्ज कहते हैं, ठीक है ना। आकाशगंगा के केंद्र को कहते हैं बल्ज कहा जाता है। तो जो भी तारे इस आकाशगंगा में हैं, ये एक आकाशगंगा का चित्र मैंने बनाया है, ये तारे क्या करते हैं कि आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं, यानी कि आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। ऐसे बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक खगोलीय वर्ष का मतलब क्या है, अब हमारा तारा कौन है, सूर्य है भाई। हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। तो हम तो सारी गणनाएं सूर्य के हिसाब से करेंगे। हालांकि हमारी जो आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, इसमें तो लाखों करोड़ों तारे हैं, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, सूर्य की। तो देखिएगा, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है सूर्य के चक्कर, और चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी के चक्कर, है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रह लगा रहे हैं, जो हमारे सौरमंडल के आठों ग्रह हैं वो लगा रहे हैं सूर्य का चक्कर, और सूर्य भी चक्कर लगा रहा है काय के, बल्ज के। बल्ज क्या है, आकाशगंगा का केंद्र, यानी कि सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा के केंद्र के। सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं आठों ग्रह, और आठों ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं उनके अपने अपने उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो सूर्य इस आकाशगंगा का चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ वर्ष में चक्कर पूरा करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है सूर्य कितने वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में इस आकाशगंगा का। तो सोच लीजिएगा आप कि आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी कि एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाया जाता है, 25 करोड़ वर्ष में तो एक चक्कर लगेगा। तो आप सोचिए एक आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी, जबकि ऐसी हजारों लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। तो आप सोच कर चलिएगा, 100 अरब आकाशगंगाएं कही जाती हैं, नॉर्मली कहा जाता है 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। एक ही आकाशगंगा इतनी बड़ी है, तो सोचो पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो आकाशगंगा के केंद्र अर्थात बल्ज का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है, इसी को खगोलीय वर्ष कहते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के मात्रक की। क्षेत्रफल के मात्रक है ना, यूनिट ऑफ एरिया, गलत लिखा है वहाँ पर, यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम आयतन से कहते हैं, ठीक है ना, एरिया, ठीक। एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, एयर हेक्टेयर सुने होंगे आपने, 100 वर्ग मीटर का मतलब क्या है, आप 10 मीटर ऐसे ले लो प्लॉट और 10 मीटर ऐसे ले लो प्लॉट, है ना। एक आपके पास प्लॉट है चौकोर 10 मीटर बाई 10 मीटर, है ना, 10 मीटर बाई 10 मीटर। तो क्या हो गया, आपको निकालेंगे क्षेत्रफल का, 10 और 10 100, है ना, और मीटर स्क्वायर। तो एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, है ना, या एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर। एक हेक्टेयर की बात करेंगे, एक एयर बराबर तो आपका क्या था, 100 वर्ग मीटर, है ना, आपका प्लॉट है 10 बाई 10 मीटर का। अब एक हेक्टेयर की बात करें, एक हेक्टेयर कितना हो जाएगा, 100 एयर हो जाएंगे 100 एयर। एक हेक्टेयर बराबर 100 एयर होते हैं, और एक एयर में 100 वर्ग मीटर हैं, तो 100 और 100 कितने हो गए, 10,000, ठीक है ना,
10,000 वर्ग मीटर, यानी एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर हो गए, 10,000 वर्ग मीटर हो गए। अगर आप इसे देखेंगे कि जैसे आपने देखा 10x10 का प्लॉट है आपका, 10 मीटर x 10 मीटर का आपका प्लॉट है, तो आपका हो गया 1 एयर। लेकिन यही प्लॉट अगर आपका 100 मीटर x 100 मीटर का है, 100 मीटर x 100 मीटर का है, तो कितना हो जाएगा, 100 × 100 हो जाएगा आपका 10,000, तो क्या हो जाएगा, एक हेक्टेयर हो जाएगा। तो 1 एयर में 100 वर्ग मीटर, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर में 100 एयर, और कैलकुलेट करेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 2.471। अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 2.471 एकड़ हो जाता है इसमें, और इसको हम 2.5 एकड़ भी कह देते हैं, ठीक है ना। एकड़ अलग है, एयर अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एयर अलग चीज़ है, एकड़ अलग चीज़ है, ठीक है ना। जब हम ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे तो और छोटी छोटी इकाइयों की बात करेंगे। अगला है आपका एक बार्न, 10^-28 बार्न, 10^-28 वर्ग मीटर, सही है ना। एक बार्न बराबर 10^-28 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा, जब हम लेबोरेटरी में होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप सोचो कितना छोटा है, 10^-28 वर्ग मीटर, माइनस की घात है, कितना छोटा होगा। तो किसी परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उस परमाणु का नाभिक, तो आप सोचो परमाणु भी देखने कितना असंभव है, क्या हम कभी देख ही नहीं सकते। एक सुई की नोक में भी करोड़ों परमाणु होते हैं, तो आप सोचो कितने बड़े लेवल का एक्सपेरिमेंट होता होगा कि उसमें परमाणु दिखाई देता हो। उसको अभी काटो, उसके नाभिक को काटो, उसके नाभिक को जब काटोगे तो उसकी जो अनुप्रस्थ काट होगी, है ना, नाभिक गोल होगा तो कटेगा, ये तरबूज कटता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो काय में निकालते हैं, बार में निकालते हैं, देख रहे हो ना भाई, साइंटिस्ट क्या करते हैं बेचारे। तो 10^-28 वर्ग मीटर है ना, परमाणु के नाभिक को बीच में से काट कर जब उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसकी अनुप्रस्थ काट का, जैसे मान लो ऐसे नाभिक था और आपने ऐसे काट दिया, तो आपके सामने ये एरिया आ जाएगा उसका, ये वाला एरिया ऐसे करके तरबूज जैसा, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं काय में, बार में, और कितना होता है, 10^-28 वर्ग मीटर। एक विश्वा की बात करें, गांव में देखा होगा विश्वा, 1350 वर्ग फीट है ना, 1350 वर्ग फीट, ठीक है ना। चलिएगा अब देखेंगे आगे, धारिता व आयतन के मात्रक, है ना। देखिए यहाँ पे बीघा वगैरह मैंने नहीं लिखा है, बीघा लिखूंगा जब लेखपाल का बैच बनाऊंगा तब लिखूंगा बीघा, ठीक है ना, बीघा इत्यादि की बात करूँगा, क्योंकि बीघे में बहुत लफड़ा है, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, बहुत सारी बातें वहाँ के लिए। धारिता व आयतन के मात्रक, धारिता एक लीटर, एक लीटर का मतलब क्या हो गया आपका, एक लीटर का मतलब, सारे मार्बल गड़बड़ कर रहे हैं आज, एक लीटर का मतलब है 10^3 घन सेंटीमीटर, है ना। यानी कि आपके पास एक बर्तन है ना, आपके पास क्या एक बर्तन है, एक बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा, है ना, लंबा चौड़ा गहरा। तो उस बर्तन में आप क्या करेंगे, दूध लेंगे या कोई भी लेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक लीटर आ जाएगा। तो एक लीटर का मतलब क्या है, 10^3 घन सेंटीमीटर। एक गैलन की बात करें तो गैलन कितना होता है, 3.785 लीटर। गैलन भी बहुत पूछा जाता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बैरल, एक बैरल, जब भी कच्चा तेल आता है ना खाड़ी के देशों से, ईरान से, बहुत सी जगह से, इंडिया में ऑयल आता है, हमारे इंडिया में काफ़ी ऑयल निकलता है, इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे, तो ये होता है 158.9871 लीटर, ठीक है ना। ये इसको लिख देते हैं सीधे सीधे 159 लीटर। तो एक बैरल में कितने लीटर हो गए आपके, 159 लीटर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको कराई, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद होने चाहिए और ये प्रैक्टिस से याद होंगे। आप सोचो कि पेपर देने जाएँ उससे पहले देख लेंगे, नहीं, आप इनको एक अच्छे नोट्स बनाइए और उसके बाद आप हफ्ते में एक बार इन्हें देख लो, छोड़ दो, हफ्ते में एक बार देख लो, छोड़ दो, तो जब इन्हें आप 6-7 बार देख लेंगे ना, है ना, तो फिर आपको याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ बार बार सामने आती है तो वो अपने आप याद हो जाती है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो इसे वहाँ शेयर कर दें। थैंक यू। Oh, 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 oh